स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल आर फाइन। आज हम देखेंगे आपका जो यस्टरडे में आप लोगों को पढ़ाई थी, चैप्टर 3 क्लास 5th का, रिक्रिएशन एंड हेल्थ। तो रिक्रिएशन और हेल्थ के बारे में कुछ पॉइंट मैं बताई थी कल आप लोगों को, जैसे कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, उसमें हम देखें रीडिंग बुक्स और फिर पपेटेरिया और ड्रामा और फिर वॉचिंग टेलीविज़न, लिसनिंग टू रेडियो, वेब सोशलाइजिंग, आउटडोर एंटरटेनमेंट, म्यूजिक एंड डांस, कम्युनिटी वर्कशॉप और गेम्स के बारे में हम कल देखे थे। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ गेम। टाइप्स ऑफ गेम में हम जानते हैं कि उसमें इंडोर्स गेम और आउटडोर्स गेम होता है। इंडोर्स गेम तो हम अंदर खेलते हैं और आउटडोर्स गेम जो होता है उसको हम बाहर खेलते हैं। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ गेम्स वन बाय वन। गेम्स विच आर प्लेड इनसाइड ए कवर्ड कोर्ट, स्टेडियम और बिल्डिंग आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। जैसे कि हम कवर कोर्ट में खेलते हैं, स्टेडियम में खेलते हैं और फिर बिल्डिंग्स में खेलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडोर्स गेम। जैसे कि चेस है, बैडमिंटन है, टेनिस है, बिलियर्ड्स है, ये सारे क्या हैं? इंडोर गेम्स हैं। जैसे कि टेबल टेनिस भी है, फॉर एग्जांपल्स में हम देखेंगे, आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, आपका बुक ओपन करके देख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल्स टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, चेस एक्सेट्रा। गेम्स विच आर प्लेड इन ओपन ग्राउंड्स, कोर्ट्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड आउटडोर गेम। जैसे कि हम बाहर कोई गेम खेलते हैं, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, अलग कोई भी गेम हम बाहर खेलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आउटडोर गेम। यानी कि घर के अंदर नहीं, घर के बाहर खेलने वाली गेम को क्या बोलते हैं? आउटडोर गेम्स। फॉर एग्जाम्पल हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट एक्सेट्रा। तो इस गेम हम कहाँ पे खेल सकते हैं? घर के अंदर नहीं, बल्कि हम घर के बाहर खेल सकते हैं। इन गेम्स लाइक गोल्फ, बिलियर्ड्स, शूटिंग, रेसिंग एक्सेट्रा, द स्पोर्ट्स पर्सन्स पार्टिसिपेट एंड इंडिविजुअल, सच गेम्स आर कॉल्ड इंडिविजुअल गेम। जो अपनी इच्छा के अनुसार खेलने वाली गेम को क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल गेम्स हैं। जैसे कि गोल्फ है, बिलियर्ड्स है, शूटिंग है और फिर रेसिंग है, ये सारे गेम्स क्या हैं? उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार और फिर हम खेलते हैं। इन दिस गेम्स एथलेट्स विन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन स्ट्रेंथ एंड हार्डवर्क। तो इसमें खिलाड़ी क्या करता है कि अपनी इच्छा के अनुसार वो क्या करता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है और फिर वो क्या करता है, हार्डवर्क करता है उसके लिए, ताकि उस गेम में वो जीत सके। इसलिए वो पहले से ही उसका तैयारी करता है और उसमें वो पार्टिसिपेट करके फिर वो जीतता है गेम को। गेम्स लाइक फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल आर प्लेड इन टीम एंड आर कॉल्ड टीम गेम्स। यानी कि टीम के साथ हम खेलते हैं जो गेम्स, उसको क्या बोला जाता है? टीम गेम्स। उसमें जैसे कि 11 प्लेयर्स होते हैं, अलग अलग गेम में अलग अलग नंबर्स होते हैं। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इसमें अलग अलग नंबर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं और फिर टीम में हम इस गेम को खेल सकते हैं। अ हेल्थी टीम स्पिरिट ऑफ्टन लीड्स टू विक्टोरी। अगर हम हमारे टीम में यूनिटी है तो हम क्या कर सकते हैं? हम उस गेम को जीत सकते हैं। अगर हमारे टीम में यूनिटी नहीं है तो हम गेम जीत नहीं सकते। तो एक ही टीम में यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। बैडमिंटन एंड टेनिस आर टू गेम्स विच आर प्लेड बोथ ऑन इंडिविजुअल एंड टीम इवेंट। तो ये बैडमिंटन और फिर टेनिस जो है, हम दो व्यक्ति भी खेल सकते हैं और टीम में भी इसको हम खेल सकते हैं। ये इंडिविजुअल टीम इवेंट है। नेशनल गेम्स के बारे में हम देखेंगे। नेशनल में खेलने वाली गेम, हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ आवर कंट्री। इंडिया का जो नेशनल गेम है, आप सभी को पता होगा क्या है? हॉकी। इट इज़ प्लेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विथ अ लॉट
एंथुसियाज्म। तो इसको बहुत खुशी के साथ क्या करते हैं लोग, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल इसमें क्या करते हैं, इसमें खेलते हैं। ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स एक्सेट्रा, तो ये सारे क्या होता है, ये क्या है, बहुत लोग इसमें होते हैं और इसमें क्या करते हैं, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करके खेलते हैं। सम ऑफ द इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स, तो ये सारे क्या है, ये इंटरनेशनल इवेंट्स हैं। कंट्री हम देखेंगे और स्पोर्ट, कंट्री स्पोर्ट, तो ये आपके बुक में कुछ कंट्री के बारे में उसके अनुसार उस देश में, उस कंट्री में खेलने वाले गेम के बारे में दिया गया है। इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो जब हम खेलते हैं गेम्स तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट विषय होती है तो उसको हम देखेंगे। दे कीप अस हेल्थी एंड एक्टिव, तो अगर हम गेम खेलते हैं तो हमारी बॉडी क्या होता है, हमें स्वस्थ रखता है और हम एक्टिव होते हैं, नहीं तो हम क्या हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं और हम बीमार पड़ते हैं। तो इसीलिए गेम और स्पोर्ट्स में भाग लेना और खेलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दे हेल्प अस टू रिलैक्स एंड एंजॉय, तो वो हमें रिलैक्स भी करता है और हमें उसमें एंजॉयमेंट भी मिलता है, हमें खुशी भी मिलता है उसमें। दे टीच अस द वैल्यूज ऑफ डिसिप्लिन, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेक्रीफाइस, तो वो हमें क्या सिखाता है, हमें डिसिप्लिन भी सिखाता है, ऐसे कि खेलने के टाइम में हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसमें कुछ रूल होती है, रूल के अनुसार हमें खेलना ज़रूरी है और हमारे कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें, और फिर हम उसमें सैक्रिफाइस भी करते हैं। दे मेक अस सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग एनफ टू फेस फेलर्स विद ए स्माइल, तो हमें वो सेल्फ कॉन्फिडेंट देता है और फिर हम उसमें स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर हम हार भी गए तो फिर हमें क्या है, हमें उत्साह देता है कि हमें आगे खेलकर हम उस गेम को जीत सके। तो हर समय हमें क्या है, खुशी के साथ हर एक गेम को खेलना जरूरी है, ना कि वाद विवाद के साथ या शत्रुता के साथ। दे ऑल्सो टीच अस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग गोल्स, मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड टीम वर्क, तो वो हमें इस बारे में भी इम्पोर्टेंस सिखाता है कि हमें गोल सेटिंग्स करना है, मोटिवेट करता है हमें, फिर डेडिकेशन होते हैं हम, और फिर टीम के साथ ही हम ये सारे काम को कर पाते हैं। स्पोर्ट्स यूनाइट पीपल एंड फोस्टर द फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म, तो ये हम देशभक्ति भावना के साथ और एक यूनिटी के साथ हम क्या करते हैं, इसको खेलते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स, इसमें हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या है, हेल्थ एंड रिक्रिएशंस एंड इंटररिलेटेड, ये क्या होता है, जो हमारे बॉडी का अंदर जो है इसके साथ ये रिलेशंस है इसका, जैसे कि अगर हम खेल कूद करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, अगर हम खेल कूद नहीं करते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं। बाय प्लेइंग वी एक्सरसाइज आवर माइंड एंड बॉडीज, तो हम खेलते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी दोनों काम करता है, हमारी माइंड भी और उसके साथ साथ हमारी बॉडीज भी। वी ग्रो हेल्थ एंड स्ट्रॉन्ग बोथ फिजिकली एंड मेंटली, तो हम क्या है, दिन ब दिन हम इसमें बढ़ते हैं और हेल्थी भी होते हैं और फिर हम स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, और दोनों में होते हैं, फिजिकली में भी होते हैं और फिर हम मेंटली में भी होते हैं स्ट्रॉन्ग। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ रिलैक्स अस, तो ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हमें क्या करता है, रिलैक्स करता है। रिसर्च हैज प्रूव्ड दैट पीपल इंडुलिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आर लेस पॉन टू स्ट्रीट्स हाइपरटेंशन एंड ऑब्सिटी, तो हमें ये क्या है, हम कुछ रिसर्च करते हैं तो इसमें जैसे कि किसी रोग जैसे हमें ना हो या पीड़ा ना हो हमें, तो अगर हम खेलेंगे तो फिर हम क्या होंगे, निरोगी रहेंगे, यानी कि हम बीमार कभी भी नहीं पड़ेंगे। इसलिए हमें हर समय क्या करना चाहिए, खेलना चाहिए। हम अगर डिप्रेस है तो फिर हमें क्या है, खेलने से हमें अच्छा लगेगा, उच्च रक्तचाप से भी हमें वो बचा सकता है।
और फिर जैसे कि हम खेल कूद करते हैं तो हम फिटनेस होते हैं, अगर खेल कूद नहीं करते हैं खाली बैठे रहते हैं तो हमारी बॉडी में फैट बढ़ती है और हमें क्या हम मोटापा हो जाते हैं। तो मोटापा लोगों को ज़्यादा बीमारी होती है, इसलिए खेल कूद करना बहुत ज़रूरी है। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स फैमिली टाइज एंड एनकरेजेस सोशल बॉन्डिंग। तो ये हमें क्या सिखाता है, इम्प्रूवमेंट करता है कि हमें उत्साहित करता है, फैमिली में एक टुगेदर यूनिटी होती है हमारे अंदर और ये हमें जकड़ के पूरा वो रखता है, इसीलिए हमें खेल कूद करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप बच्चों आप लोग इस क्या है चैप्टर के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, रिक्रिएशन एंड हेल्थ के बारे में। ओके, हैव यू हैव ए नाइस डे।